यूपी में बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोपों से असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार किया है। यूपी के चुनावी दौरे में ओवैसी ने उठाए विरोधियों पर सवाल। अमेठी से राहुल गांधी की हार पर ओवैसी ने पूछा सवाल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बावजूद बीजेपी को 300 सीटें कैसे मिल गईं? ये सवाल पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी उन लोगों से जो आज यूपी में AIMIM की मौजूदगी पर और ओवैसी की पार्टी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के बाद हमलावर हैं। और सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी एक एक कर बीजेपी को मदद पहुंचाने के खुद पर लगने वाले आरोपों को किस तरह नकार रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बीएसपी सपा कांग्रेस के 16 लोग जीते, मबाकी पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार हूं इसका। क्या मेरा कैंडिडेट था? क्या मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कोई उम्मीदवार था? असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारा इल्जाम झूठ है। कैसे हार गया तुम्हारा राहुल गांधी? किसने हराया राहुल गांधी को? क्या मेरे अजीतनाथ उड़कर अमेठी को जाकर लोगों को बोले? क्या मैंने कान में आई तल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया सबके? फिर कैसे हारा राहुल गांधी बताओ? राहुल गांधी इसलिए हारे क्योंकि उनको मुस्लिम वोट मिला मगर हिंदू वोट नहीं मिला, इसलिए वो हार गए। यानी अब ये हाल हो गया कि अगर इनके घर में कल भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे ओवैसी सामने से गया था। कल सुबह 4 बजे सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी की तकरीर रात में मुर्गा ने सुना था, इसलिए पुकारना भूल गया। और अगर कोई 50 साल का होकर भी शादी ना करे तो बोलेंगे नहीं, इसमें भी सोचना पड़ेगा क्या वजह है। यानी हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर, हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर। 2017 का चुनाव हार गए, कांग्रेस और समाजवादी मिल गए। तो एक गाना, क्या क्या गाना था वो शौकत, कि यूपी को ये दो लड़के पसंद है, कहा था ना, यूपी को ये दो लड़के पसंद है। बह गए 300, बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। अरे हर चीज की जिम्मेदारी मजलिस पर डाल दो, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन भारत का मुसलमान इन बातों को समझ जाएगा कि मेरे वोट की कोई कीमत नहीं है और मेरे वोट से मोदी बीजेपी नहीं जीत रही है। तो ये तमाम आरोप जो एंटी बीजेपी पार्टीज असदुद्दीन ओवैसी पर लगा रही हैं, ओवैसी उसका अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए नजर आ रहे हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।